तो अगर आपने किसी भी कंपनी में 6 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ के आसपास अगर आपने जॉब करी है और आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर नहीं मिला है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो देखो दोस्त, क्या होता है कि जब कई बार कंपनीज को आप जल्दी से छोड़ देते हो, कई बार 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में आप छोड़ देते हो, तो हो सकता है वो कंपनी कई कई बार एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव कर देती हैं कि आपका रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर रिलीज नहीं करती हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, जब भी आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो कंपनी में आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। कई बार कंपनीज, हो सकता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही पेपर पर दे देती हैं, कई बार वो डॉक्यूमेंट्स आपको अलग अलग मिलता है। तो आपके पास तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ, आपने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप लास्ट में जब आप मेल डालते हो रेजिग्नेशन का, तो एक वो रेजिग्नेशन मेल होता है जो आप डालते हो, और उधर से फिर वो रेजिग्नेशन अप्रूवल का प्रोसेस होता है, मतलब कि अप्रूव्ड हो गया था कि हाँ, हम उस पर ये लिखते हैं कि हाँ, आपका रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। एंड तीसरा क्या होता है कि आपका पीएफ डिटेल, अगर कंपनी में आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है ना, तो वो पीएफ डिटेल भी वहाँ पे होता है, तो पीएफ डिटेल भी हो गया। चौथा क्या हो गया कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होता है। ये मैं एक रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट भी होता है। तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स में आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, कोई भी कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही कि आप एक्सपीरियंस लेटर दे दो या ऑफर लेटर दे दो, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो, पीएफ डिटेल दिखा सकते हो, कंपनी की ज्वाइनिंग डेट दिखा सकते हो, और लास्ट वर्किंग डे, मींस लास्ट वर्किंग डे क्या होता है कि जो आपने रिजाइन डाला और वहाँ से एक्सेप्ट करने का आपके पास मेल पे रिप्लाई आया है, या पीएफ पे डेट ऑफ एंड या डेट ऑफ एग्जिट, जो वो पीएफ डिटेल पे आपकी डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं, तो वो भी उनको दिखा सकते हो। और बाकी अगर वो चीज़ मेल पे नहीं दे रहे हैं, तो आप एक फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट्स में बना के वो वहाँ पे दिखा सकते हो कि हाँ, इस फॉर्मेट में कंपनी वो बना के देती है। क्योंकि जब आपके पास एक मेल प्रूफ होगा ना कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो मेल नहीं मांगते, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट मांगते हैं कि जो आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे अपलोड करना होगा, या हो सकता है वहाँ की एचआर टीम को आपको वो आपको रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर आपको ऑन मेल भेजना होगा। तो दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप चाहो तो फॉर्मेट वैसा रेडी भी कर सकते हो, या फिर आप उस मेल का भी रेफरेंस एक प्रिंट आउट निकाल के, जो एक्सेप्टेंस का मेल आया उसका एक प्रिंट आउट निकालो, उस प्रिंट आउट को ही अपलोड कर दो, या उस वाले प्रिंट आउट को अपने एचआर टीम को भेज सकते हो, या वो सेम जीमेल की आईडी से आप वो सेम ईमेल अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है जिसमें आप स्विच करके जा रहे हो उस कंपनी को वो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उससे भी एक्सेप्टेंस हो जाता है। बट लीगली आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपका टाइम आपने दिया है वहाँ पे, तो आप लीगली उनसे मांग सकते हो और मेल पे बोल सकते हो, और इसके लिए आप लीगल एक्शन लेना चाहो वो भी ले सकते हो। अगर 6 मंथ से ऊपर है तो उनको आपका एक्सपीरियंस लेटर देना ही पड़ेगा, बट आपने जो उनकी पॉलिसीज हैं वो सारी फॉलो करी हो, कि आपने जैसे रिजिग्नेशन पूरा कंप्लीट किया हो, रिजिग्नेशन के टाइम से ज़्यादा छुट्टी ना हो, अगर छुट्टी ली है तो रिजिग्नेशन टाइम अगर आपने पूरा पीरियड कंप्लीट किया है, जैसे 2 मंथ का, 3 मंथ का है, अगर वो आपने पूरा कंप्लीट किया, तो उनको एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर आपको देना ही पड़ेगा। और या तो फिर आप फर्स्ट वाला तरीका अपना सकते हो, तो उससे भी चल जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।